So hello everyone, कैसे हो सारे के सारे? And I'm back with another crazy gameplay of Pokemon Unite. अब कल का पैच अपडेट आने के बाद मैं ये वाला मैच सीजोर से खेलता हूँ एंड लिटरली ये मैच इतना ज़्यादा इनसेन जाता है ना, इतने क्रेजी फाइट्स होते हैं. सो तुम लोग को तो देखना ही पड़ेगा एंड तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो. अब देखो मैच स्टार्ट होती सबसे पहले तो मैं अपना मिड फार्म करता हूँ, डायरेक्ट टॉप पाथ में आ जाता हूँ अपना फाइट एंगेज करने. इसके बाद हमको मिल जाता है अकेला 90, उसको मारने के बाद हमको रीसेंट स्कोर मिल जाता है तो हम लोग दोनों ऑलमोस्ट 30-30 का स्कोर कर देते हैं. लेकिन उसके बाद भी भाई नाइनटेल्स एंड फ्लेचेंडर बिना लेवल अप करके फिर से आ गया, जिसकी वजह से वो लोग फिर से पिट गए एंड हम लोग को स्कोर मिलने का, जैसे हम लोगों ने लिटरली इनका पहला वाला टॉप बेस बहुत इजीली फोड़ दिया. इसके बाद ही वो लोग पता नहीं कंटिन्यूटी में फाइटिंग करे जा रहे थे. अभी तुमने एक बार मैच का टाइमर देखो, मैच के स्टार्टिंग के 2 मिनट में हम लोगों ने इनका ऑलरेडी एक पहला वाला बेस खाली भी कर दिया. तो इसलिए मैं इनसे फाइटिंग कर रहा था घुस के, क्योंकि ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम साइथर यूज़ करता हूँ तो मेरे को सीजर के बुलेट पंच से यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग रहा था. तो मैं फाइटिंग करके थोड़ा प्रैक्टिस भी कर ले रहा था एंड मेरे को डिसेंट स्कोर एंड लेवल अप दोनों मिल जा रहे थे. इसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ टॉप वाले बेस पे अपने बेस को डिफेंड करने के लिए, जिसमें से टैलन फ्लेम और नाइनटेल्स का तो आती कचरा हो गया. मेरे को ये ब्लास्टोइस का पता नहीं लिटरली समझ नहीं आ रहा है, ये आने के बाद से तब से क्या करे जा रहा है. ये गोल गेटर यूज कर रहा है, हम पे सर्फ यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. बट इसके बाद जो हम पे पुश आता ना लिटरली 4 बंदों का, मतलब इस पॉइंट में ना मेरे को तो फील आ रहा था कि लाइक पता है हम लोग बचपन में वो गेम खेलते थे जिसमें गेम का जितना भी डिफिकल्टी हाई होता जाता था बॉस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाता था एंड उसके भाई चमचे भी उतने ज्यादा आते थे. लिटरली ये लोग वही वाला चीज कर रहे हैं कि हर बार हम उनको मार रहे हैं ये लोग उतना ज्यादा एनिमीज लेके आ रहे हैं एंड लिटरली इट गोज ऑन एंड ऑन. एनीवेज फाइट कंप्लीट करके सबसे पहले तो हम लोग रेजिले के सिक्योर करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट चले जाते हैं ओपोनेंट्स के बेस में उसको एंटर कराने. अब इसके बाद यहाँ पे जो फाइट एंगेज होता है ना लिटरली यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई आ ही नहीं रहा है टॉप पाथ में एंड फिर भी हम लोगों ने समहाउ टॉप पाथ में क्लियर कर लिया ये वाले बेस को एंड रेजिले को एंटर करा ही दिया. एंटर करा कर जल्दी से मैं स्कोर करता हूँ एंड कट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से फाइट लेना था नहीं. ऑल तो जब स्कोर करके मैं जा रहा था तब जोरा और का तो गया था, लेकिन मेरे को फॉल बैक करना पड़ता है क्योंकि मेरे को फाइनल स्टेज से पहले थोड़ा पॉइंट्स इकट्ठे करने थे. फाइनल स्टेज चालू होते ही सबसे पहले तो मैं फ्री फंड का 50 का स्कोर कर देता हूँ एंड इसके बाद डायरेक्ट चला जाता हूँ रिक्विजा सिक्योर करने के लिए. अब हमारे 2 टीममेट्स टॉप पाथ में ऑलरेडी एनिमीज को एंगेज रखे थे फाइट के लिए, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं रिक्विजा सिक्योर करते वक्त. फिर भी मैंने इनकेस के लिए मैंने एप्सोल को बोला था अपना यूनाइट सेव करके रख, क्योंकि ना मेरे साथ इनकेस वाले सीन ही ज़्यादा होते हैं. एनीवेज हम लोग बहुत जल्दी एंड इजीली सिक्योर कर लेते हैं रिक्विजा एंड उसके बाद आता है ओपोनेंट, तो हम लोग सबसे पहले तो उसको फिनिश करते हैं एंड डायरेक्ट चले जाते हैं स्कोर करने के लिए. ऑल दो हम सब में से बेस्ट मैं अकेला ही सक्सेसफुली स्कोर कर पाया, बट हम लोग डिसेंट स्कोर से ऑलरेडी लीड में थे तो इट्स गुड टू गो. एंड एट दी एंड जस्ट लाइक दैट हम लोग एक डिसेंट स्कोर के साथ ये मैच को जीत ही जाते हैं. एंड इन रिजल्ट में ना तो मेरे किल डैमेज एंड असिस्ट पर ध्यान देना, मेरा लिटरली 20 अबव किल हो सकते थे यार, बट कोई ना नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. सो आई रियली होप कि तुम लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर तुम लोग का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा ना इस चैनल को अभी के अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली पोकेमॉन यूनाइट के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन पीस आउट.